नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भर्ती निकली है। टोटल 351 पोस्ट हैं दोस्तों, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी की सारी जो पोस्ट हैं ये ITI कैंडिडेट्स के लिए हैं, और इसमें लगभग जो है सभी ट्रेड्स की भर्ती आ गई हैं, जैसे मेनली ऑटोमोबाइल है, कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, DTP ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, MLT है, मोटर मैकेनिक, पेंटर, टर्नर, वेल्डर और भी काफ़ी जो है ट्रेड्स हैं इसके अंदर जिनकी भर्ती निकली हुई है दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पढ़ाई फॉर यू चैनल के ऊपर डेली जितनी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं सभी के वीडियो जो है अपलोड कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो आइए चेक कर लेते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके सामने और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये देखिए, जूम करके इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसके जो लिंक है वो स्टार्ट हो जाएगा 3 जून 2019 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 26 जून 2019। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में बिल्कुल लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की दोस्तों। इसके अंदर जो है दो मेन एग्ज़ाम होंगे, एक तो Tier 1 के लिए है और Tier 2 के लिए है। जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं, और जो Tier 2 का एग्ज़ाम है वो है ट्रेड टेस्ट, यानी कि उसमें जो आपकी जो भी ट्रेड है ITI के अंदर तो उससे रिलेटेड जो है चीज़ें उसके अंदर पूछी जाएंगी, यानी कि आपका स्किल चेक होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए अंदर क्या चाहिए, कितनी फीस लगेगी, तो सारा डिटेल चेक करते हैं, और पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज क्या क्या इन्होंने जो है इसके अंदर रिक्वायरमेंट है इसकी। तो ये देखिए ऑटोमोबाइल की है दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1 पे जो पोस्ट है वो है ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और साथ में ITI के अंदर ऑटोमोबाइल की ट्रेड का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। टोटल मिला के यहाँ पे पोस्ट हैं, राइट साइड में देखिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑटोमोबाइल के लिए जो है 3 पोस्ट हैं यहाँ पे, ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे SC है, ST है, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जनरल की है। यहाँ पे टोटल है दोस्तों एक्स सर्विसमैन की है ये, और ये फिजिकल हैंडीकैप की है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो ऑटोमोबाइल की यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट हैं, और सेकेंड है जो नंबर 2 पे है बुक बाइंडर की है। बुक बाइंडर के लिए क्वालिफिकेशन वही सेम, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट उसके पास ITI का होना चाहिए दोस्तों बुक बाइंडर ट्रेड के अंदर। तो बुक बाइंडर की जो पोस्ट हैं टोटल मिला के वो यहाँ पे मेंशन है, 11 पोस्ट हैं बुक बाइंडर के लिए। नंबर 2 पे ये देखिए 11 पोस्ट हैं, और नंबर 3 पे है दोस्तों कारपेंटर की। तो कारपेंटर के लिए कंडीशन वही है सेम, सभी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट जो है 10वीं पास होना चाहिए और साथ में ITI का कंसर्न ट्रेड के अंदर उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं कारपेंटर की। कारपेंटर के लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और साथ में उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड के अंदर। उसके बाद है इसकी पोस्ट जो है यहाँ पे हैं कारपेंटर की, ये देखिए 4 पोस्ट हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों सेम है, नंबर 5 पे कोपा है। कोपा जो है कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और कोपा की ट्रेड के अंदर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा की ट्रेड इसको हम बोलते हैं। और टोटल मिला के कोपा की पोस्ट ज़्यादा है, इसमें 55 पोस्ट है कोपा के लिए। तो कोपा के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है ये। उसके बाद है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके लिए भी पोस्ट ठीक है दोस्तों, 20 पोस्ट है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है DTP ऑपरेटर के लिए है, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम, कैंडिडेट 10वीं पास हो और साथ में जो है ITI के अंदर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए कंसर्न ट्रेड के अंदर। 49 पोस्ट हैं इनकी, यहाँ पे ये देखिए 49 पोस्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, कैंडिडेट 10वीं पास और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर। 37 पोस्ट हैं, 37। उसके बाद है फिटर की हैं, 10वीं पास कैंडिडेट और फिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड के अंदर, 59 पोस्ट हैं। उसके बाद हम मशीनिस्ट की 10th क्लास प्लस में सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का उसके पास, और 44 पोस्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद जो ट्रेड है ये देखिए, मशीनिस्ट के बाद है मैकेनिक डीजल के अंदर, यहाँ पे
कैंडिडेट 10वीं पास हो, आईटीआई हो दोस्तों, और इसकी 7 पोस्ट हैं कुल मिला के। नेक्स्ट जो हैं एमएलटी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सेम है, कैंडिडेट 10वीं पास प्लस में सर्टिफिकेट हो आईटीआई से एमएलटी के अंदर, टोटल मिला के 4 पोस्ट हैं यहाँ पे। और मोटर मैकेनिक की है दोस्तों 2 पोस्ट हैं, आईटीआई होनी चाहिए साथ में। ट्रेड जो है पेंटर, 10वीं पास और पेंटर की ट्रेड हो, 2 पोस्ट हैं। और फोटोग्राफर के लिए भी 7 पोस्ट हैं कुल मिला के। शीट मेटल वर्कर के लिए 7 पोस्ट हैं और टर्नर के लिए जो है 24 पोस्ट हैं। तो इसके अंदर जो है टर्नर के लिए भी काफ़ी पोस्ट आई हुई हैं। उसके बाद जो ट्रेड है वो है वेल्डर के लिए, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए ये देखिए, और साथ में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास आईटीआई ट्रेड का। टोटल मिला के 14 पोस्ट हैं इसके अंदर। तो कुल मिला के सारी जो है 351 पोस्ट हैं आईटीआई की, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। और उसके बाद जो है, उसके बाद है दोस्तों पे की बात करते हैं। ये देखिए 28,000 रुपये पर मंथ पे है, और साथ में जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, सीएसडी फैसिलिटी है, डीए है, जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं डीआरडीओ की तरफ से, वो सारे के सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे 28,000 रुपये पे के साथ साथ। उसके बाद बात करते हैं एज, जो कि सबसे मेन चीज़ है, 18 से लेकर 28 तक एज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और जो भी नियमानुसार छूट है एससी एसटी ओबीसी सर्विसमैन फिजिकल हैंडीकैप के लिए, विडो के लिए, जो भी छूट है दोस्तों नियमानुसार इसके अंदर छूट दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, जो भी है कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को। नेक्स्ट है इसके अंदर, दोस्तों एक मेन चीज़ यहाँ पे मेंशन है बिल्कुल, कि कैंडिडेट ने जो है अपना सर्टिफिकेट या जो भी आईटीआई का डिप्लोमा है वो एससीईटी या एनसीईटी से किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एनसीईटी वाले कैंडिडेट भी और एससीईटी के कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये साइट है डीआरडीओ की, इस साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और इसकी फीस भी जो है ऑनलाइन कटेगी, नेट बैंकिंग से, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरह से जो है हम फीस की इसकी पेमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। तो फीस का आगे इसी वीडियो के अंदर पता लग जाएगा कि कितनी फीस है अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए। ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है, जनरल और ओबीसी के लिए फीस 100 रुपये फीस है, और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है आपने कि किस किस के लिए फीस है और किस किस के लिए फीस नहीं है। अब बात है दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की, अगर हम नॉर्थ की बात करें, देखिए ये जो लिस्ट है इसमें से कोई 3 सेंटर फिल करने हैं, उसमें से किसी एक के अंदर जो है एग्ज़ाम होगा, ऑप्शन लेकिन 3 हैं। तो प्रायोरिटी बेस पे आप जो है 3 स्टेशन में से कोई एक स्टेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, टीयर 1 के लिए और टीयर 2 के लिए। तो ये जो लिस्ट है आपके सामने ये टीयर 1 के लिए है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ है एग्जाम सेंटर, और साथ में दिल्ली एनसीआर भी है, और नियरेस्ट जयपुर भी है। तो यानी कि जो आप इसमें से चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी भी प्रकार की। तो एग्जाम सेंटर जो है, और रही बात सेकेंड की, ये देखिए जो सेकेंड एग्जाम होगा उसके अंदर यहाँ पे साइड में है सेकेंड, तो सेकंड एग्ज़ाम के लिए जो है अभी डीआरडीओ ने फाइनल नहीं किया है, वो बाद में पता लग जाएगा कि सेकंड जो एग्ज़ाम है आपका स्किल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ पे होगा, तो वो जो है बाद में एडमिट कार्ड पे आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें आपने एग्ज़ाम सेंटर पूरा अच्छी तरह से ध्यान से भरना। अब रही बात दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, देखिए कैसे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, जो कैंडिडेट टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उन्हीं को कैंडिडेट्स को जो है टीयर 2 के एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। और टीयर 2 एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, यानी कि उसको क्वालिफाई करने के बाद जो है बाद में कैंडिडेट का जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट उस पर लगा दी जाएगी। अब रही बात सिलेबस की, ये देखिए यहाँ पे सिलेबस मेंशन है दोस्तों। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, उसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है उसके अंदर ये सिलेबस है, यहाँ पे मेंशन है सिलेबस, तो इसको जूम करके चेक कर लेते हैं क्या है। क्वांटिटिव एबिलिटी है, एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल साइंस है, यह है सिलेबस।
और इसी के अंदर जो सेक्शन बी है उसमें है स्पेसिफाइड टू द ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट कोड, तो इसमें जो सेक्शन बी है उसमें ट्रेड से रिलेटेड होगा। तो इस सिलेबस को जो टॉपिक्स इसके अंदर मेंशन हैं उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है दोस्तों, तो इसी टॉपिक के अंदर आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को बाद में दिक्कत आती है कि सर सिलेबस का हमें नहीं पता, तो सिलेबस का ये टॉपिक इसके अंदर मेंशन है, इन्हीं टॉपिक्स को लेके आपने तैयारी करनी है। क्योंकि टीयर वन और टीयर टू के जो दो एग्ज़ाम हैं उसमें टीयर वन का ये सिलेबस है। तो रही बात नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स की और टाइम की, ये देखिए इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे आपके और मार्क्स होंगे आपके 150, और टाइम रहेगा 2 घंटे, और सेक्शन बी जो है आपका सेक्शन बी के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। टीयर टू का जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसका टाइम अलग है। तो टीयर वन और टीयर टू की जो मेरिट लिस्ट है फाइनल होने के बाद ही जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाद में कॉल किया जाएगा। ये है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट सेकंड की, ये देखिए नंबर 2 पे है। तो नंबर 2 पे जो है दोस्तों ट्रेड टेस्ट ये सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड होगा। ये देखिए मेंशन है यहाँ पे स्पेसिफिक टू ट्रेड डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट कोड, ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ ITI लेवल। तो ITI की जो भी आपकी कंसर्न है उसी के स्किल से रिलेटेड ये टेस्ट होगा। यानी कि सिर्फ इसमें आपने अपने ITI का जो भी ट्रेड का सिलेबस है उसको आपने अच्छी तरह से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपने पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड ही इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, न कि कोई GK वगैरह या कुछ और। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो टाइम है ट्रेड टेस्ट का ये 1 से लेकर 2 घंटे तक का हो सकता है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन DRDO की तरफ से, और सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं लगभग इसके अंदर मेन मेन ट्रेड्स कवर हो चुकी हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर फॉर्म फिल करते हुए आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ये हेल्प नंबर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है दोस्तों, और ये साइट है ऑफिशियल साइट DRDO की, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।